ब्यारसपुर की जनपद में सभागार में बाल ब्रह्मचारी संत श्री बसंत महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को कई कल्याण की बातें बतलाई। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि आसमान से पानी की बूंद गिरती है, जमीन पर एक आम की जड़ में जाती है तो वह मीठी हो जाती है, एक बूंद नींबू की जड़ में जाती है तो वह खट्टी हो जाती है, एक बूंद नीम की जड़ में जाती है तो वह कड़वी हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा शरीर रूपी माता से प्राप्त होती है तो वह जैसे माहौल उसे मिलता है वैसी वो ढल जाती है। ग्यारसपुर के सभागृह में जनपद के सीईओ, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनों के साथ अन्य लोग मौजूद थे जिन्होंने अमृत वचनों का लाभ लिया। और ये चीज तो होनी चाहिए, अगर व्यक्ति सत्संग कर रहा है, किसी संत के सानिध्य में है, किसी विद्वान से कोई बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो ये बात तो तय है कि जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने सत्संग का महत्व ही नहीं समझा। और आपने बड़ी प्यारी जिज्ञासा रखी है, हम आपसे बता दें हमारे यहाँ सत्संग में जो भी लोग आते हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि उनके आंतरिक विकारों में कमियाँ आ रही हैं, उनके मन में पवित्रता आ रही है, चित्त शुद्धि का भी कार्य हो रहा है, क्योंकि ध्यान और ज्ञान जब हम दोनों से व्यक्ति के जीवन का परिष्करण करने का प्रयास करते हैं तो जहाँ ज्ञान से मानसिक शुद्धि आती है वहीं ध्यान से आत्मिक शुद्धि का भी जागरण होता है। तो सत्संग में बैठने से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, उसकी व्यवहारिक क्रियाचर्या में, आचरण में परिवर्तन आता है। कल तक वो गुस्सा करता था, आज उसके क्रोध में कमी आ रही है, किसी के साथ चिड़चिड़ा होता था, आज वो परिणाम उसके कम पड़ रहे हैं, किसी के साथ गलत काम करता था, झूठ बोलता था, वो चीज़ें कम हो रही हैं, यानी पापों में कमी आती है, व्यवहारिक जीवन में प्रेम प्रगाढ़ होता है, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य की भावनाओं में प्रगाढ़ता आती है।